हेलो फ्रेंड्स सीके टी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और देखिए अभी मैंने दो दिन पहले एक वीडियो डाला था आईआरसीटीसी आर सी इरकॉन आर वी एन एल टीटागढ़ रेल सिस्टम्स इन सभी के ऊपर एक वीडियो बनाया था और देखिए शेयर में भाई साहब चार चांद लग गए अभी मैंने आपके सामने एक नए शेयर की बात करने वाला हूँ ये फिलहाल नई लिस्टेड पी कंपनी है मिनी रत्न कैटेगरी में इसको अभी रखा गया है होप्स हो कि आने वाले समय में इसके एम और डायरेक्टर ने भी बोला है कि भाई साहब इसको मिनी रत्न की जगह पे अब यहां पे नवरत्न में इसको दर्जा मिल जाना चाहिए फिर भी मिलता है कि नहीं मिलता है यह तो फ्यूचर में पता चलेगा पर मिनी रत्न की कैटेगरी में आती है इंडियन रेन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं क्या कंपनी बोला एरेडा एरेडा इसको शॉर्ट बोलते हैं एरेडा चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल से रिलेटेड देखिए फंडामेंटल देखिए मार्केट कैप की बात करेंगे तो बत्तीस करोड़ का है इसका मार्केट कैप है करंट प्राइस एक सौ का है भाई साहब पचास रुपये पर यह कंपनी लिस्ट हुई थी ये इस कंपनी का शेयर प्राइस अगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो अड़तीस रुपये के आसपास आया था पचास रुपये के आसपास लिस्ट हुई और भाई साहब उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से इस कंपनी ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया एक सौ का हाई लगाया एक पर यह चल रहा है कई सारे इन्वेस्टर्स आई के प्राइस से इसके अंदर रुके होंगे और भाई साहब जिस तरीके से पी में चार चांद लग रहे हैं पी में वापस से इन्वेस्टर्स का इंटैक्ट वापस से भरोसा जाग रहा है और कई सारे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा एक्चुअली पी की तरफ आया है तो भाई साहब क्या कर सकते हैं भाव ही भगवान है मार्केट के अंदर और भाव इसका ऊपर जा रहा है स्टॉक के पी की बात करेंगे थर्टी सेवन पॉइंट नाइन जीरो नाइन जीरो का है वैल्यूएशन भी ठीक ही है रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉय रिटर्न ऑन इक्विटी एट परसेंटें एंड फिफ्टीन पॉइंट फोर जीरो परसेंट रिस्पेक्टिवली है फेस वैल्यू दस रुपये का है इसका मतलब है आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है पर गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी में आपको स्प्लिट कम ही देखने को मिलेगा अभी भी मैं आपसे कहूँगा कि आपकी नज़र आई पर अभी भी होनी चाहिए ठीक है तो ध्यान रखना रेवेन्यू की बात करेंगे सितंबर क्वार्टर में इसका रेवेन्यू देखिए बढ़ता हुआ देखने को मिला वहीं अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें दो से दो करोड़ से दो करोड़ ई में कंपनी की गिरावट देखने को मिली अभी दिसंबर क्वार्टर में अभी दिसंबर क्वार्टर में जब इसके रिजल्ट आएंगे तब वहाँ पर चीज़ें बहुत सारी ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी केवल मुझे ये दिखाना था आपको यहाँ पर कि ये कंपनी भी शेयर मार्केट के अंदर आ गई है इस पर आप नजर रखना वॉच लिस्ट में ऐड करके चलना ठीक है प्रोमोटर की बात करेंगे पचहत्तर परसेंट प्रोमोटर होल्ड करके चल रहे हैं एफ की बात करेंगे थ्री पॉइंट नाइन फाइव परसेंट एफ के पास है डी की बात करेंगे तो एट पॉइंट टू वन परसेंट डी के पास है पब्लिक के पास अभी ट्वेल्व पॉइंट एट फाइव परसेंट है पब्लिक अभी यहाँ पर ऑन और, और आना बाकी है जैसे जैसे पब्लिक को ये शेयर के बारे में पता चलेगा और जब वो ऊपर से खरीदना स्टार्ट करेंगे आपके पास तो ऑलरेडी नीचे से होगा रिटर्न में जिनको ये आई से अलॉट हुआ है तो वो ऑलरेडी रिटर्न में बैठे होंगे भाई साहब दस बीस तीस परसेंट नीचे गिर जाए तो चुपचाप बैठे रहना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ठीक है फिर भी अगर आपको बेचना है तो अल्टीमेट डिसीजन आपका ही काम करेगा शेयर मार्केट के अंदर ठीक है क्योंकि जब तक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ख़राब नहीं होगा तब तक इंडिया का एन्वायरमेंट बहुत अच्छा है भाई साहब बाहर का एन्वायरमेंट बहुत खराब है इस समय पर इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बेहतरीन और पॉजिटिव है एटलीस्ट यहाँ का इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मार्केट से रिलेटेड अब कोई बाहर न्यूज आती है इसकी वजह से इंडियन मार्केट अब एक्चुअली मैनुपुलेट नहीं होता है मार्केट गिरता तो है पर वापस से उतनी ही तेज़ी से रिकवर हो जाता है तो जितने भी पी स्टॉक हैं सभी पर आपकी नज़र होनी चाहिए चाहे वो ओ हो कोल इंडिया हो एरेडा हो इसके साथ साथ कोल इंडिया हो एन हो रेलवे स्टॉक्स हो लाइक आई आर एफ सी आर वी एन एल टीटागढ़ रेल सिस्टम्स आई आर एफ सी टीटागढ़ रेल सिस्टम तो खैर प्राइवेट है और आई आर एफ सी ठीक है आई आर सी टी सी भी भागेगा टाइम लगेगा ठीक है ये सारे पी स्टॉक्स पर अब बैंकिंग की बात करेंगे तो चाहे वो पी हो बैंक ऑफ बड़ोडा हो इन सारे शेयर्स पर नजर रखना मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा हर हर महादेव अयप्पा शरणम हरी शरणम बहुत बहुत धन्यवाद